Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will study some more deductions. Let's start with section 80D. This section is related to medical insurance premium. That means if any person is paying premium for medical insurance, then in this case, government giving some more deductions. Okay. So, dekhi yahan par. Who are the person entitled to get these deductions? कौन कौन ले सकता है? Individual and HUF in both case, resident and non-resident. अब देखिए, अगर कोई individual है तो वो किस किस का premium pay कर सकता है? Spouse, self, spouse, parents, whether dependent or not. And but the children should be dependent. ये dependent or not किसकी बात करी है? Parents की बात करी है, spouse की बात करी है, ठीक है? कोई अगर individual है, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ क्लास स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ. कोई अगर इंडिविजुअल अगर अपना यानी सेल्फ स्पाउस पेरेंट्स वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट बट द चिल्ड्रन शुड बी डिपेंडेंट, उन्हीं की वो जो डिडक्शन ले सकता है. बट इन द केस ऑफ एच यू एफ वो किसकी डिडक्शन लेते हैं? फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, अब देखिए पेमेंट किस चीज की कर सकते हैं, किसके रिगार्डिंग पेमेंट कर सकते हैं? फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट कैसे कर सकते हैं? एनी मोड अदर देन कैश. देन CGHS बेसिकली क्या होता है? देखिए इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं वो ये इसमें जो है अपना सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं टू दी मेडिकल इंश्योरेंस. कंट्रीब्यूट इन द सेंस बेसिकली वो पे कर देते हैं, ठीक है? तो इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है? एंड दीज आर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम. बट क्लास मेक श्योर दिस इज नॉट काउंट अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ही नहीं, ठीक है? तो इसलिए इसकी पेमेंट क्या बोली हुई है? एनी मोड. नेक्स्ट वन इज मेडिकल एक्सपेंडिचर. अगेन दिस इज नॉट काउंट अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, सो द पेमेंट विल बी मेड बाय एनी मोड, ठीक है? देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो किसके लिए? तो बेसिकली कोई अगर अपने लिए या फैमिली के लिए अगर लाइक इन केस कुछ फ्यूचर में कुछ हो जाए तो उसका हम अपनी बेसिकली सेव करने के लिए अपनी लाइक अपनी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए हम जो है ये प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है? तो बट ये जो आपका है दैट इज प्राइवेट हेल्थ चेकअप स्कीम, ये क्या है आपका? ये हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होता, ये चेकअप बेसिकली जो रेगुलर चेकअप होते हैं तो उसके लिए है, कोई स्पेसिफाइड डिजीज के लिए नहीं कि आपने इस पर खर्चा करा जो भी कुछ है, तो ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस में काउंट नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट वन इज मेडिकल एक्सपेंसेस. अगेन दिस इज नॉट काउंट अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, बट मेक श्योर दैट द इंडिविजुअल अगर मान लीजिए मेडिकल एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन ले रहा है तो वो जिसकी भी ले रहा है, चाहे वो खुद की ले रहा हो चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स किसी की भी ले रहा हो, देन दैट पर्सन शुड बी सीनियर सिटीजन. फर्स्ट कंडीशन दी है मेडिकल. देखिए अगर किसी इंडिविजुअल को या एच एफ को मेडिकल एक्सपेंडिचर की या मेडिकल एक्सपेंस की डिडक्शन लेनी है तो उसको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. फर्स्ट वन इज दैट कि जिस पर्सन की भी वो जो डिडक्शन लेना चाह रहा है इन द केस ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो पहले तो वो पर्सन क्या होना चाहिए? सीनियर सिटीजन. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट no that there will be no other health insurance, ठीक है? That means that person, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर so that there will be no confusion. In this case no having any other health insurance, ठीक है? तो दो condition है, senior citizen and having no having any other health insurance, तभी मिलेगा, otherwise नहीं मिलेगी. then
इन दिस केस दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? ओनली फॉर 5,000। बाकी की अलग है, वो मैं भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ इसी पर्पज को बता रहा हूँ। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को इंडिविजुअल या एचएफ को अगर इस केस में या अंडर दिस स्कीम अगर अगर इंडिडक्शन ले रही है तो मैक्स टू मैक्स कितने ले सकता है वो? ओनली 5,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्वांटम ऑफ ड्यूरेशन देखिए, देखिए ये थोड़ा ड्यूरेशन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल देखिए किस किस के ले सकता है? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उन सब की मिलाकर वो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी ले सकता है? 25,000। सेम फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स की भी वो 25,000 की ले सकता है। ये ऐड है, यानी कि ये भी और ये भी दोनों ले सकता है। ठीक है, बट ये डिडक्शन जो है बढ़कर अब 50,000 हो सकती है दोनों ही। कौन, बट ये कब होगी? इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन, दैट मीन्स इनमें से चाहे कोई भी जो है सीनियर सिटीजन हो गया हो तो ये डिडक्शन 25,000 से कितनी हो जाएगी? 50,000। पेरेंट्स में से मदर या फादर या दोनों या कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो भी डिडक्शन कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया। सीजीएचएस में पेरेंट्स अलाउड नहीं हो गया, दैट मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसमें वो अब अपनी ले सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो पेरेंट्स कवर्ड नहीं होते हैं, पेरेंट्स नॉट अलाउड। तो ये 25,000 से बढ़कर कितनी जाएगी? 50,000 इन केस दिस पर्सन बिलोंग टू द एज ऑफ 60 ईयर और मोर, सेम फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, अब ये जो अलग से आपको गिवन है दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम, मैंने क्या बोला था इसकी डिडक्शन कितनी मिलती है? 5,000। बट ये जो 5,000 मिलेगी ये इंक्लूडिंग होगी इन दिस, दैट मीन्स अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्स टू मैक्स 25,000 इंक्लूडिंग दिस, चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे वो पेरेंट्स की हो। ठीक है, यही सेम केस आपका क्लास एचईएफ का भी हो सकता है। ठीक है, एचईएफ में देखो इंडिविजुअल और फैमिली तो नहीं, सब एक ही हैं, तो इनकी भी डिडक्शन जो है वो कितनी है? मैक्सिमम 25,000। अगर उनमें से कोई एक मेंबर भी अगर सीनियर सिटीजन हो गया तो उनकी डिडक्शन मैक्सिमम डिडक्शन कितनी रहेगी? 50,000। ये किस केस में है? सीनियर सिटीजन केस में। एंड दिस रूल सेम अप्लाई हेयर। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझते हैं। क्या लिखा है? मिस्टर ए हुज एज इज 55 ईयर्स ओल्ड, उसने देखिए प्रीमियम भर रहा है वो हेल्थ इंश्योरेंस का, किस इसका? फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस, इंडिपेंडेंट डॉटर, डिपेंडेंट सन, इंडिपेंडेंट ब्रदर, इंडिपेंडेंट द फादर। देन ही ऑल्सो पेइंग प्रीमियम फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम, किसके लिए भर रहे हैं? फॉर स्पाउस एंड मदर। यहाँ पर ये अमाउंट आप इसको 5,000 भर लो। ठीक है, देन मिस्टर ए ऑल्सो पेड इन मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन मदर ऑफ ₹32,000। ठीक है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 80D डिडक्शन। तो देखिए करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। 80D पहले तो आप देखिए ये जो इंडिविजुअल है उसकी अलग होगी प्लस पेरेंट्स की देखिए अलग होगी। ठीक है, अच्छा पहले तो बात करते हैं इंडिविजुअल, तो कि वो किस किस ले सकता है? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो हिमसेल्फ मिल जाएगी 9,000 प्लस स्पाउस की मिल जाएगी 6,000
प्लस इंडिपेंडेंट डॉटर नहीं मिलेगी, डिपेंडेंट सन यस मिलेगी दैट इज 3000, डिपेंडेंट ब्रदर नहीं मिलेगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट फादर वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैं पेरेंट्स के लिए करूँ, ठीक है, ये समझ लीजिए कि जो इंडिविजुअल ले सकता है यहाँ पर मैं वो केस लिख, ओके, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम पी एफ सी एस की, ठीक है, इस केस में कितना खर्च हुआ है स्पाउस में 2000, मदर में कितना खर्च हुआ 5000, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक कुछ चीज़ है मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन मदर। मैंने आपको बताया था अगर मैं कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर खर्च किया है तो उसमें दो कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सीनियर सिटीजन। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर मदर की एज लिखी ही नहीं, देखो यहाँ पर आप देखो मिस्टर जो ए है उसकी एज कितनी है 55 ईयर्स ओल्ड, तो ऑब्वियसली मदर तो सीनियर सिटीजन होगी होगी, ठीक है। देखिए एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपको कुछ इसमें जो थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ एग्जाम में गिवन नहीं होगी, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। यस, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी दैट दी मदर इज सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट, क्या मदर के ऊपर जो है कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है? देखिए इस लिस्ट में मदर का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है, यानी कि जो पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑन मदर वो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी डिडक्शन मिलेगी प्लस 32000। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले तो आप ये केस देखिए कि इसकी जो डिडक्शन मिलेगी ओवरऑल मिलाकर 5000 ही मिलेगी, ठीक है, ओवरऑल इन द सेंस इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कितने मिलेगी 5000 ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। देन हमें एक चीज़ और देखनी है, मिलाकर भी प्लस इंडिविजुअल देखा जाए तो 5000 यहाँ पर भी क्रॉस नहीं होना चाहिए एंड 5000 यहाँ पर भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसमें भी लिमिट है, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो 2000 इसमें खर्च हुआ वो तो हम चलो यहाँ पर लिख देंगे 2000, ठीक है, प्लस अब ज़रा ध्यान से देखिए आपको दो कंडीशन देखनी पड़ेगी, एक तो ये 5000 है, ठीक है, 5000 खर्च किया है, चलो वो तो ठीक है कि तुमने 5000 खर्च किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर मान लीजिए सपोज मैं चेंज कर देता हूँ 2 7000, 7000 का मैंने चेंज कर दिया मदर एक्सपेंसिव, उसको चेंज कर रहे थे क्वेश्चन में भी, इसको हम 7000 कर देते, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है पर्टिकुलर हेड में कितना आएगा 5000 आ सकता है, बट मैंने आपको बताया था दोनों मिलाकर भी कितना होना चाहिए 5000 होना चाहिए, तो कितना आएगा ओनली 3000, ओनली 3000। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए दोनों हेड में मिलाकर कितना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 5000, प्लस पर्टिकुलर हेड में भी इनका जो है 5000 एक्सीड होना चाहिए। वैसे देखो कितना खर्च हुआ 7000, आना कितना चाहिए था 5000, बट इन दोनों का जो कंपोजिट अमाउंट है कितना आना चाहिए ओनली 5000, सो कितना रिमेनिंग रह गया, क्योंकि 2000 तो यहाँ पर खर्च कर दिया, बाकी रिमेनिंग कितना रह गया 3000, ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखिए क्लास टोटल कितनी डिडक्शन मिलेगी 9000 प्लस 6000 15000 प्लस 5000, यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक कितनी आ गई, मैं आंसर देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये कितना आएगी 20000, इन दिस केस देखिए कितनी होगी 60 प्लस दिस यानी कि 48 होगी। अच्छा एक बात और यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर 3000 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ 3000 नहीं आएगा क्योंकि एक और कंडीशन आ गई, मैक्सिमम अमाउंट कितनी मिलेगी ओनली 50000, ऊपर हमने केस पढ़ा था ओनली 50000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2000 ही मिलेगी, ठीक है, तो कितनी होगी यहाँ पर ये 50000, ठीक है, तो टोटल डिडक्शन कितनी होगी
70,000 अंडर सेक्शन 80D। ओके, अब देखिए मान लीजिए अगर आप के फादर या फिर आप ही जो है अपना भी और अपनी फैमिली का जो आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हो, बट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से आपको एक ऑफर आया, ठीक है, एक ऑफर आया कि आप जो है अगर आप सारा अमाउंट 3 साल का अमाउंट अगर आप अभी पे कर देते हो देन वी विल दैट मीन्स दैट द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू 10% डिस्काउंट। ध्यान से देखिए क्या बोल रही है, अगर आपने 3 साल का प्रीमियम अगर आप एक साथ पे कर देते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन पेमेंट तो आपने एक ही बार करी, मान लीजिए 1 साल में कर दी, इस साल में आपने पेमेंट कर दी, इस साल में तो की नहीं, तो डिडक्शन तो आप इस साल में ले जाओगे, तो जब आपने पेमेंट ही नहीं की इन दोनों साल में तो आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है, कैसे लोगे, जितनी भी पेमेंट करी आपने यहाँ पर उसको डिवाइड बाय 3 कर दो एंड वो सब में डिवाइड कर दो, आपको डिडक्शन मिलेगी, चाहे आपने पेमेंट करी हो या ना करी हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने वो ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन देखिए, जो एनुअल प्रीमियम वो कितना है, 30,000 पर मंथ, एस एस सी पेड लमसम अमाउंट फॉर 3 ईयर्स ऑन 3rd March 2020 फॉर गेटिंग 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए बड़ा इजी है, कितना देखिए पर ईयर, देखिए कितना इंश्योरेंस है, एनुअल प्रीमियम देखिए कितना है 30,000, 3 साल का कितना प्रीमियम होगा 90,000 एंड उसमें ये डिस्काउंट जब ऑप्ट कर लिया है, डिस्काउंट का रेट कितना है 20%, दैट इज 18,000, लेस करेंगे दैट मीन्स दैट पर्सन पेड 70,000 प्रीमियम एट वन टाइम। ठीक है, तो अब क्या होगा, 72,000 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स ही कैन क्लेम डिडक्शन 4 रुपीज 24,000 अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, वन मोर थिंग क्लास, याद रखना जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 25,000 है, तो ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स आइदर 24 और 50,000, वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए डिवाइड करने के बाद भी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 80DD। क्या है ये, दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप पर्सन। जैसा मान लीजिए कोई फैमिली का हेड पर्सन है, ठीक है, और अगर उनके साथ जो है कोई या उनका डिपेंडेंट चाइल्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई डिपेंडेंट पर्सन है, उनके रिलेटिव पर्सन है, तो कोई वो हैंडीकैप है, तो अगर उसके ऊपर कोई खर्च हो रहा है तो वो हेड पर्सन यानी कि जो SSC है वो उसकी डिडक्शन ले सकता है। ठीक है, कौन पर्सन ले सकता है, इंडिविजुअल एज वेल एज HS ओनली इन द केस ऑफ रेसिडेंट। पेमेंट रिगार्डिंग, पेमेंट अगर क्या है, किस किस खर्च में गया, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर ट्रेनिंग पर्पज से के लिए किया हो, ये किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। बट इन द केस ऑफ HUF इफ एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन स्कीम ऑफ रिसीविंग एन्युटी और लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव और मेंबर ऑफ HUF। इट मीन्स अगर HUF के केस में देखिए क्या होता है, आपको पता है HUF में काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर होते हैं, अगर कोई माने कोई एक पर्सन हो उसमें कौन है, डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन है, चाहे वो कोई रिलेटिव हो चाहे वो कोई मेम्बर हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उन्होंने किसी ऐसे ऐसे स्कीम में जो है पैसा डाल रखा है जिससे जो है डिपेंडेंट जो डिसेबल पर्सन है उसका खर्चा निकल जाए, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी पेमेंट जो करी उस स्कीम के अंदर तो वहाँ पर उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी HUF में। क्वांटम ऑफ डिडक्शन देखिए कितनी है, 75,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड और स्पेंट। क्या मतलब, यहाँ पर स्टेट है जो है 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, चाहे आपने कितना भी खर्च किया हो, चाहे 10 रुपये खर्च किया हो या 10 लाख रुपये खर्च किया हो
मैक्सिमम ड्यूरेशन यही मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक और केस है, कंडीशन क्या देखिए, यहाँ पर 75,000 की ड्यूरेशन क्यों मिलेगी अगर डिसेबिलिटी 40% या 40% ज़्यादा है। बट अगर मान लीजिए कोई सीवियर डिसेबल है, ठीक है, वो डिपेंडेंट आपके हैं, वो आप उस पर खर्च कर रहे हो, तो उस पर मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी मिलेगी, 1,25,000। ओके सो ये क्या है आपका सेक्शन 80D। ठीक है, देखिए पहला था आपका सेक्शन डी, दैट मीन डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, ये था आपका दैट इज डिपेंडेंट डिसेबल, डबल डी डिपेंडेंट डिसेबल। ओके सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 80U। ठीक है, 80U ये किसकी है, डिडक्शन फॉर हैंडीकैप। ऊपर जो हमें पढ़ा 80DD एंड 80U में देखिए डिफरेंस है, कंफ्यूजन होती है कई बार। DD में क्या है कि जो पर्सन जो SSC है वो खुद नहीं है, उसका कोई डिपेंडेंट फैमिली में पर्सन है, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है उसके ऊपर वो डिडक्शन ले रहा है। और 80U में क्या है, सेल्फ, वो अपने ऊपर जो कोई जो खर्च करा रहा है, तो मान लो जो हैंडीकैप पर्सन है वो अपनी डिडक्शन खुद लेना चाह रहा है। ठीक है, तो वो कौन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए एंड इन ओनली इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। क्वांटम ऑफ डिडक्शन सेम 75,000 इन द केस ऑफ 40% इक्वल टू 40% और मोर देन 40% इर रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट स्पेंट, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। ओके देन इन द केस ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ 80% और मोर देन 80% देन दिस डिडक्शन विल बी 1,25,000। ओके नाउ द नेक्स्ट डिडक्शन इज 80DDB, क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड डिसीज, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड डिसीज। देखो आप थोड़ा कंफ्यूज बताना कि सर आपने 80U पहले करा दिया अल्फाबेटिक से तो एंड माने से था। देखिए ये कोई मतलब डिसीज से रिलेटेड है इसलिए मैंने ये जो 80U पहले कराया। ठीक है, अब बात करते हैं 80DDB की। देखिए 80D में क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड डिसीज उसके ऊपर होगा। हु आर द पर्सन एंटाइटल टू गेट डिडक्शन, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF। पेमेंट रिगार्डिंग किसके होनी चाहिए, एक्चुअली इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल केस में ये ए पॉइंट है एंड HUF केस में आपका बी पॉइंट है। अगर इंडिविजुअल है तो उसमें क्या होगा, हिमसेल्फ एंड डिपेंडेंट रिलेटिव हो सकता है कोई। ठीक है, और अगर HUF में तो मेंबर ऑफ HUF। किस में लिखा, देखिए एक्चुअल इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए कुछ स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है जिसमें जो है काफ़ी बड़ा खर्चा हो जाता है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो उस केस में जो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको डिडक्शन दे रही है अंडर सेक्शन 80DDB में। कितनी डिडक्शन मिलेगी, 40,000 और 60,000 और 80,000। 40,000 दैट मीन्स देखिए जिसकी एज जो है वो 60 ईयर्स से नीचे हो, बिलो 60 ईयर्स, ये क्या है, सीनियर सिटीजन, दैट पर्सन हु बिलोंग टू द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड दिस इज SSC दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन हुज एज इज इक्वल टू और मोर देन 80, तो उसको इतनी डिडक्शन मिलेगी। ओके नाउ द नेक्स्ट इज ई, दैट इज सेक्शन ई, ई फॉर एजुकेशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, कौन पर्सन डिडक्शन देता है, इंडिविजुअल। पेमेंट किस रिगार्डिंग होना चाहिए, देखिए यहाँ से देखिएगा, पेमेंट किस रिगार्डिंग होना चाहिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं मिलेगा, ओनली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर हुम, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट फॉर हुम इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन। ओके, कितनी डिडक्शन मिलेगी, ओनली ऑन इंटरेस्ट पेड बट देर इज नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, कब तक डिडक्शन ले सकते हैं, डिडक्शन फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन बिगेंस। जिस ईयर से आपने इंटरेस्ट लोन पे करा वहां से जो है 8 साल काउंट करेंगे, 8 साल तक आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट की यहाँ पर लिमिट कोई नहीं है, पूरी मिलेगी। ठीक है,
अच्छा कंडीशन का यहाँ पर लोन फॉर हायर एजुकेशन दैट मीन्स दैट एनी पेमेंट मेड टू इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिमसेल्फ और रिलेटिव। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हायर एजुकेशन मतलब क्या है? इट मीन्स दैट एनी स्टूडेंट और एनी चिल्ड्रन परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ATE। ATE मीन्स ई फॉर एजुकेशन। ठीक है, सो देखिए इन दिस वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा, ATD, देन हमने पढ़ा ATDD, देन ATU, देन ATDDV एंड लास्ट वन इज ATE। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू।